दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जानेंगे ये किस विभाग में जॉब है, कितने पढ़ने हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या क्या रजिस्ट्रेशन की फीस है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर उसे सब्सक्राइब, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जगह जो है वो आपकी भारत संचार निगम लिमिटेड में आई है। दोस्तों BSNL में ये जगह निकली है और ये जगह जो है वो है आपकी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, मतलब JTO। तो दोस्तों इसमें आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती होनी है। तो दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 12 मार्च तक ये भरे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात करें इसकी पे स्केल की, तो इसमें जो पे स्केल है वो है आपका 16,400 से लेके 40,500 तक, ठीक है। दोस्तों बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें आपको बी या पीटेक या कोई इंजीनियरिंग डिग्री जो आपकी सिविल में हो और या फिर इलेक्ट्रिकल में हो। अगर आप सिविल से हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए डाल सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ आपको 2019 का जो गेट का एग्जाम है आपको उसमें अपेयरिंग, मतलब आपको उसमें आपने उसका एग्जाम दिया हो। तो दोस्तों इसमें आपकी दो, अगर आप सिविल से डाल रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपका गेट में अपेयरिंग, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपने इलेक्ट्रिकल की डिग्री साथ में उसको गेट का अपेयरिंग मांगा है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लेते हैं कि तो इसमें जो गेट का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मतलब दोनों ही पोस्टों में आपके लिए जो आपकी जो गेट में जो आपने अगर एग्जाम दिया है तो वो भी संबंधित आपका इलेक्ट्रिकल से और सिविल से होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। तो दोस्तों अब इसकी एज की बात करें तो एज आपकी यहाँ से 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर छूट की बात करें तो अगर आप SC या ST में आते हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट है, अगर आप OBC में आते हैं तो आपकी 3 वर्ष की छूट है। दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें जो जगह निकली है ये केवल आपकी OBC और ST SC के लिए है, जनरल के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों अब बात करें इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका गेट जो 2019 का जो गेट का एग्जाम है उसका इसमें स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो किसके द्वारा IIT मद्रास चेन्नई के द्वारा 2019 में फरवरी में जो एग्जाम होगा उसमें इसके स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात करें इसके सिलेक्शन की, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ इसमें BTech या BE ही हो आप एक सिविल से या फिर हाँ, उसके साथ आपको गेट का एग्जाम का जो अपेयरिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। और दोस्तों बता दूं इसकी नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का और मोड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस, तो रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में बता दूं, अगर आप OBC में हैं तो आपके लिए 1,000 रुपये फीस है, ठीक है। अगर आप SC या ST में है तो आपके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है। दोस्तों बात करते हैं उन सर्किल्स की जिसमें ये जॉब्स निकली हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी पहला जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो आपकी जॉब निकली है वो आपकी 3 निकली है केवल OBC के लिए, तो टोटल इसमें 3 जगह है। आसाम में आपकी जो जगह है वो आपके लिए 1 SC के लिए और 3 ST के लिए, टोटल इसमें 4 जगह है। उसके बाद बिहार में जो जगह निकली है वो आपकी OBC की 2, SC की 1 और ST की 1, तो टोटल इसमें 4 जगह है। दोस्तों आप एक एक करके इसमें पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जगह जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। तो आप इसमें टोटल पद देख सकते हैं 132 पद हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी जो सिविल के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पद दे रखे हैं, तो इसमें जो टोटल पद हैं वो आपके 66 पद हैं, ठीक है। तो आपके टोटल जो पद बैठते हैं वो है आपके 198, ठीक है। 198 पदों पर ये भर्ती निकली है और अलग अलग राज्य में निकली है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं मैं, तो उत्तर प्रदेश ईस्ट और उत्तर प्रदेश वेस्ट में आपकी जगह निकली है, तो टोटल जगह जी है आपकी 12 जगह, ठीक है। तो टोटल इसमें कितनी जगह है, 12 जगह। तो दोस्तों आप अपने सर्किल के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन का लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।